वेलकम बैक हेज ट्रेडर्स। जैसा हमने लास्ट वीडियो में कमिट किया था कि आई विल बी ब्रिंगिंग अप अ पोर्टफोलियो ऑफ अराउंड 1 CR, जिसमें हम लोग एक पैरेलल ट्रेडिंग्स करेंगे एंड दिस पैरेलल ट्रेडिंग्स विल बी जनरेटिंग ऑन एवरेज 10% to 15% एवरी सिंगल मंथ। ओके राइट, क्योंकि काफ़ी ये पॉइंट्स थे कि अगर एक 7 CR, 8 CR, 9 CR के पोर्टफोलियो को इस रेट से हम लोग ग्रो कर रहे हैं, क्या हम छोटे पोर्टफोलियोज को भी इस रेट से ग्रो कर सकते हैं। तो देखो, मेरा इसमें एक सिंपल आंसर है, ऑन आइडियल पोर्टफोलियो फॉर डूइंग हेज ट्रेडिंग इज अराउंड 1 CR। तो आई विल बी इम्प्लीमेंटिंग द रूल्स एंड द ट्रेडिंग्स ऑन द पोर्टफोलियो अराउंड 1 CR। बट जनरली अगर इससे छोटा पोर्टफोलियो भी होता है तो रिटर्न्स कम हो जाएंगे। ठीक है, इफ योर पोर्टफोलियो इज लेसर देन 1 CR, आपके रिटर्न्स विल डिक्रीज बाय अराउंड 2 or 3%। ओके, बट आइडियली व्हेन यू आर ट्रेडिंग अबाउट इन द हेज ट्रेडिंग्स, योर पोर्टफोलियो इज, इफ योर पोर्टफोलियो इज अबव 1 CR, इट विल बी लाइक एन आइडियल पोर्टफोलियो टू जनरेट द रिटर्न्स। ठीक है, तो अभी हम इस पोर्टफोलियो को वर्कआउट कर रहे हैं। मेरा अपना पोर्टफोलियो है अराउंड 1 CR का, इसको हम वर्कआउट कर रहे हैं। दिस विल बी अ सेपरेट अकाउंट, मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ पहले टू बिगिन विद। ओके राइट, और अब मैं इसके अंदर में वी विल बी एडिंग अप सर्टेन पोजिशंस। तो जनरली सेम फॉर्मेट के अंदर में इस पोर्टफोलियो को लेके चलेंगे, जिसमें कुछ पोजिशन एनालिसिस होगा एंड एंड ऑफ द मंथ पे हम लोग शायद से लेजर शेयर अप करेंगे इसके अंदर में। ठीक है, हमारा आइडिया ये रहेगा कि किस तरीके से 1 CR के पोर्टफोलियो को वी कैन ग्रो अप ऑन अ मंथ टू मंथ बेसिस बाय जनरेटिंग द पैसिव इनकम फ्रॉम दैट। ओके राइट, और आई विल बी टारगेटिंग एनीवेयर बिटवीन 10% to 15% ग्रोथ रेट एवरी सिंगल मंथ ऑन दिस। राइट, ओके, so let's begin. We'll take up the first trade in this. Okay, I'm going to trade up in Cadillac. ठीक है, ये आपकी यहाँ पे है, इसको आप सेल करेंगे। जनरली ऑन 1 CR पोर्टफोलियो आई एम ट्रेडिंग अप 4 lots. ओके, अगर इफ यू आर ट्रेडिंग अप विद द लेसर पोर्टफोलियो तो अकॉर्डिंगली रेशियोज आप डिफाइन कर लेना। ठीक है, और हमने इसमें इसको सेल कर दिया। ठीक है, अब हम दूसरा करेंगे आपका 500 पुट्स, सेम वॉल्यूम्स, 520 पुट्स के दिला, लेट्स सी 520 पुट्स। Then we'll be doing up Kerala HC 580 calls. Kerala HC 580 calls. This we'll be doing 3 lots. Okay. For this, when we're doing it in 3 lots, okay. The rest of the counters we have traded up in 4 lots. Right, order book पे देखते हैं अभी कितना available margin है। 81 lakh is available margin. Used margin कितना हुआ, 18.21 lakhs. Available cash is around 81.78 lakhs. अभी orders देख लेते हैं order book में जाके। 4 orders complete हो चुके हैं। ठीक है, एक pairings बन चुकी है इसके अंदर में। Right, एंड इसके अंदर में 500 पुट्स हैं, 520 पुट्स हैं, 580 कॉल है, 600 कॉल है। राइट, विल बी एडजस्टिंग द पोजीशंस इन द लॉन्गर टर्म, इसको हम एडजस्ट करेंगे इन पोजीशंस को। ऑन एवरेज आई विल बी जनरेटिंग अ प्रॉफिट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 10 lakh to 15 lakhs. दिस इज अ 1 CR चैलेंज। राइट, सो ऑन एवरेज वी आर गोइंग टू ग्रो अप द पोर्टफोलियो बाय अराउंड 10% to 15% फॉर दिस पर्टिकुलर मंथ, एंड इससे वी विल गेट एन आइडिया। एंड ये पोर्टफोलियो पूरा साल हम लोग चलाएंगे, और या मतलब जितना हो सकेगा इसके अंदर में आई विल बी शेयरिंग अप द ओपन पोजीशंस विद यू। ठीक है, इन मिडल जितना मेरे पास टाइम अवेलेबल होता है आई विल बी शेयरिंग अप द थिंग्स विद यू, एंड एंड में हम लोग लेजर्स चेकअप करेंगे। राइट, सो इसके साथ में वी आर गोइंग टू ब्रिंग अप वन शॉर्ट लेसन फॉर यू। राइट, एक शॉर्ट लेसन हम लोग सीखेंगे इस दौरान के अंदर में, बिकॉज मैंने ये कमिट किया हुआ है आपसे कि कोई भी वीडियो होगा तो वी आर गोइंग टू लर्न अप सर्टेन थिंग्स आउट ऑफ द वीडियो इटसेल्फ। राइट, so we have started the 1 CR portfolio, we have made certain positions out of it, and now we are going to go ahead with a learning lesson which is again into the OI segments and all. ठीक है, इसमें what we are going to learn up is कि किस तरीके से हमें positionings देखनी होती हैं, किस तरीके से we can judge up the resistance and the support levels,
एंड किस तरीके से वी कैन जज अप कि वो रेजिस्टेंस कितने स्ट्रांग हैं, वो सपोर्ट्स कितनी स्ट्रांग हैं, राइट? अकॉर्डिंगली वी कैन मेक अप आर पोजीशंस. दिस इज़ वन ऑफ द पैरामीटर्स यूज्ड अपार्ट फ्रॉम ऑल द अदर पैरामीटर्स व्हिच हैव बीन यूज्ड अप. ओके, राइट. एक और चीज इससे पहले, लाइक व्हेन यू विल गो टू द चैनल, द हेज ट्रेडिंग चैनल इटसेल्फ, ओके, ये जो मैंने ट्रेड पुट फॉरवर्ड किया, आई विल बी पुटिंग फॉरवर्ड द सेम ट्रेड इन द कम्युनिटी टैब ऑल्सो फॉर द यूजर्स. ओके, राइट. एंड जिसको भी एडजस्टमेंट्स लेनी होंगी, दे कैन कनेक्ट, बट उससे पहले यू नीड टू फीड एटलीस्ट 100 पीपल इन योर सिटी, राइट? ठीक है, ये अभी फीड तो करना मुश्किल होगा, बट यू कैन प्रोवाइड देम राशंस फॉर अ होल मंथ, राइट? जनरली इस समय जितना लोगों को आप हेल्प कर सकते हो, लोगों को उतना हेल्प करो, ठीक है? वॉलेंटियर्स ऑलरेडी लोगों को हेल्प कर रहे हैं करेंटली, राइट? काफ़ी स्पीड से वी आर हेल्पिंग अप द पीपल हु आर इन नीड एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट. तो ग्रो अप टुगेदर एंड अपने अपने सिटीज़ के अंदर में यू जस्ट हेल्प इट आउट द पीपल यू वॉन्ट टू हेल्प इन टू, राइट? राइट. सो अब इसके अंदर में व्हाट यू गोइंग टू लर्न इज, जो सबसे बड़ी, मैं आपको बिल्कुल बेसिक वे में समझाने वाला हूँ, तो इसको ध्यान से सुनना, ठीक है? सबसे पहला ये जो आपका ये फ्लुएसेंट ग्रीन है, ये आपका ओआई में जो चेंज हुआ है, ये कॉल्स के ओआई हैं, ठीक है? तो पहली बात हमें ये देखना होता है कॉल्स के कौन सी स्ट्राइक्स ऐसी हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग्स हो रही हैं, बट उसके साथ साथ हमें ये देखना होता है कि क्या उसके ऊपर में सबसे ज़्यादा ओआई चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है. मतलब कि अगर ये सबसे स्ट्रांग है बट इसमें ओआई चेंज कम होता, तो इन दैट केस वी विल नॉट बी काउंटरिंग दिस पर्टिकुलर ट्रेड इन दिस, ठीक है? अब ये स्ट्राइक है 600 लेवल्स की और इसमें ओआई चेंज जो हुआ है दैट इज बीन मैग्निफिसेंट एज कम्पेयर टू ऑल द अदर ओआईज. कंबाइन भी कर दें तो जितना चेंज इसमें हुआ है उतना चेंज किसी और के अंदर में नहीं हुआ है, राइट? सेकेंडली, इसके बाद में आपका दूसरे लेवल पे आता है आपका 580, बट इसके अंदर में इतना स्ट्रांग नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि प्राइस कैन मूव टू अराउंड 600 एंड देन ऑन 600 इट विल बी अ गुड रेजिस्टेंस, ठीक है, राइट? नीचे में अगर हम देखते हैं सबसे बड़ी ओआई किसके पास में है, अराउंड 500 लेवल पे सबसे बड़ी ओआई है, ठीक है? बट जो चेंजेस आए हैं कंपैरेटिव टू द ओआई लेवल्स, वो आपके आए हैं 510 के अंदर में काफ़ी अच्छे चेंजेस आए हैं, देन 530 के अंदर में काफ़ी अच्छे चेंजेस आए हैं, ठीक है? 520 में काफ़ी अच्छे चेंजेस आए हैं एंड 500 का स्ट्राइक काफ़ी सॉलिड है, ठीक है? इसके अलावा 400, ये 550 लेवल्स जो हैं ये भी काफ़ी अच्छा है, बट सबसे बेटर है 520 लेवल्स एंड 500 लेवल्स, राइट? ठीक है, 540 लेवल्स इज ऑल्सो गुड, बट इसके अंदर में एक चीज़ और एड ऑन हो रही है कि फ्यूचर प्राइस इस समय चल रहा है 577. इसका मतलब है कि फ्यूचर प्राइस के नियरेस्ट जो पोजीशनिंग्स हैं वो कॉल साइड में ज़्यादा स्ट्रांग हैं, और जो उससे फार अवे पोजीशनिंग्स हैं, जैसे 577 से काफ़ी दूर हो गया, बट 600 काफ़ी पास है, बट 600 पे जो ओआईज हैं वो काफ़ी स्ट्रांग है. इसका मतलब कि द पीपल आर बियरिश इन दिस कैडिलैक. ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ग्रैस्प द पॉइंट्स, आई विल बी कीपिंग द वीडियो वेरी शॉर्ट, ठीक है? इसको आप समझो, इम्प्लीमेंट करो और इसे आप यूज़ करो, राइट? राइट. तो अभी जो पोजीशंस बनी है हमारी, कैडिलैक 500 पुट है, 520 पुट्स हैं, 580 कॉल्स हैं, 600 कॉल्स हैं, ठीक है? इट इज़ अ बियरिश पोजीशनिंग्स फॉर द काउंटर, एंड उसमें जो अभी पीएनएल चल रहे हैं इट्स नॉमिनल. अभी पोजीशंस इसके बन गई हैं, ठीक है, राइट? और इसमें लाइक वी आर गोइंग टू एड अप मोर पोजीशंस. अभी जो हमारा फंड कंज्यूम हुआ है दैट इज लाइक अभी सिर्फ 18.2 लाख इसमें कंज्यूम हुए हैं, ठीक है, राइट? कोई भी अगर छोटे पोर्टफोलियो में इसमें वर्कआउट कर रहा हो तो यूज़ इट फॉर एनालिसिस ओनली इफ़ योर पोर्टफोलियो इज लेस देन 25 एल एंड ऑल. अगर 25 प्लस है तो उसको सिर्फ और सिर्फ एक लॉट में ही वर्कआउट करना, बिकॉज इन अ पोर्टफोलियो फॉर अराउंड 1 ईयर आई हैव ट्रेडेड अराउंड 4 लॉट्स, ठीक है, राइट? और रिगार्डिंग एडजस्टमेंट्स ऑफ द पोजिशंस, जब भी यू फीड 100 पीपल इन योर रीजन कंसिस्टेंटली करना होगा, यू नीड टू गिव देम राशन फॉर अराउंड 1 month, ओके, राइट? एंड एवरी सिंगल मंथ यू टू डू दिस थिंग. अगर आप ऐसा करते हो, यू कैन टेक द एडजस्टमेंट्स ऑफ द पोजिशंस, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई विल बी शेयरिंग अप द लाइव अपडेट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर पोजिशंस ऑन लाइक इन द नेक्स्ट वीडियो प्रॉब्ली, ओके, राइट? चलिए, टेक केयर, पीस आउट, एंड एक बार हम फाइनली और देख लेते हैं पोजीशंस का. इसको रिफ्रेश भी कर देते हैं, रिफ्रेशिंग में कुछ ज़्यादा नहीं है, ठीक है, राइट? चलिए, टेक केयर, पीस आउट.